हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। स्टूडेंट, आज मैं ये जो नया चैनल है इस पर वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ जहाँ पर मैं IIT-JAM और गेट पे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं लीनियर अलजेब्रा पे वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो आई टिप पे जाके देख लीजिए। अगर आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट और अच्छे क्लियर करने हैं तो मेरा जो पुराना चैनल है वहाँ पे थ्योरी कॉन्सेप्ट्स और उससे रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं तो वो भी आई टिप पे जाके आप देख सकते हैं। तो इसमें देखिए, यहाँ पे लीनियर अलजेब्रा पे हम बात करेंगे आज कुछ कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। तो बात करते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, सबसे पहले ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स कि जो मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज क्या होता है, क्या क्या यहाँ पे टाइप्स होते हैं, तो वो मैं आपके सामने आज डिस्कस करता हूँ। सो स्टूडेंट, आज हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स है और जो गेट और IIT-JAM में आए हुए क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स क्या होती है, अगर कोई भी आपके पास मैट्रिक्स दे रखी है और मान लीजिए अगर हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स है, ये अगर दे रखी 1 2 3 4, तो स्टूडेंट इसका जो ट्रांसपोज होता है, ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि रो और कॉलम को हम क्या कर देते हैं यहाँ पे इंटरचेंज कर देते हैं, ना। फॉर एग्जाम्पल 1 और 3 यहाँ जाएगा एंड 2 एंड 4 यहाँ जाएगा, मतलब ये जो रो है ये इधर कॉलम बन जाएगा, ये वाला जो रो है ये इधर कॉलम बन जाएगा, राइट। तो ये हमारे पास होता है। फॉर एग्जाम्पल क्या, लेट ए बी द एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए ट्रांसपोज। स्टूडेंट यहाँ पे अगर ये ए मैट्रिक्स है तो इसको हम ए ट्रांसपोज से इसके ट्रांसपोज को डिनोट करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे अगर इस टाइप की अगर हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है तो इसका जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, 1 2 3 यहाँ पे हमारे पास कॉलम में आ जाएगा, मतलब रो कॉलम में इंटरचेंज हो जाता है। अगर ये 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है तो ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ जाती है, मतलब आर इंटू सी है ये, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सी इंटू आर हो जाएगा, मतलब कॉलम यहाँ पे इंटरचेंज हो जाएगा रो में, क्लियर है। स्टूडेंट कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्टूडेंट कॉन्जुगेट ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पे सीधा सीधा ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर कोई भी मैट्रिक्स आपके पास यहाँ दे रखी है और उसका कॉन्जुगेट अगर आपको निकालना है तो कॉन्जुगेट बहुत ईजिली आप निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने यहाँ पे देता हूँ कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है और यहाँ पे दे रखा है 1 1 प्लस आयोटा एंड 2 आयोटा एंड 3, ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसका जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होगा उसमें क्या करते हैं, इसमें नॉर्मली ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं जो आयोटा है उसकी जगह माइनस आयोटा रख देते हैं, राइट। तो ये 1 आएगा, यहाँ पे आयोटा की जगह माइनस आयोटा रिप्लेस हो जाएगा, है ना, क्योंकि आयोटा का कॉन्जुगेट माइनस आयोटा होता है, ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो जाता है। तो ये कि लेट ए बी द एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, देन इट्स कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ए बार वेयर ए आई, ये होगी वेयर ए आई ए बार आई ए जी इज द कॉन्जुगेट ऑफ ए आई जी, मतलब यहाँ जो एलिमेंट है उन सभी के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स यहाँ आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास ये मैट्रिक्स रखिए तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा यहाँ पे क्या होगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा जाएगा, ये माइनस आयोटा जाएगा, ये 3 आ जाएगा और ये 2 माइनस आयोटा आ जाएगा, राइट। तो इफ ए बी इज रियल मैट्रिक्स, अगर सभी एलिमेंट यहाँ पे रियल नंबर है तो फिर यहाँ पे कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज वो सेम टू सेम ही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर रियल मैट्रिक्स है तो ए बार जो होगा उसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर ही होती है, तो इसमें ये कंसेप्ट होता है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करेंगे हमारे पास यहाँ पे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, तो कोई भी मैट्रिक्स अगर हमारे पास दे रखी, नॉर्मली जब हम यहाँ पे अभी हर्मिशियन मैट्रिक्स डिस्कस करेंगे तो कोई भी मैट्रिक्स दे रखी उसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, मान लीजिए अगर हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है 1 है 1 प्लस आयोटा है एंड देन ये 2 आयोटा दे रखा है और यहाँ पे हमारे पास 3 आयोटा ये कोई मैट्रिक्स दे रखी, राइट। इसमें इसका कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालेंगे हम, देन ये आएगा 1, ये आएगा 2 माइनस आयोटा एंड माइनस का 3 आयोटा आ जाएगा, ये इसकी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स आ जाएगी। इसमें इसका जो ट्रांसपोज, इस कॉन्जुगेट का हम ट्रांसपोज लें, है ना, कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, 1 ये इधर आ जाएगा, माइनस का 3 आयोटा आ जाएगा, मतलब ये रो क्या हो जाएगा, कॉलम, मतलब कॉलम जो है रो में बन जाएगा एंड 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा, तो इसमें ये इसकी क्या हो जाएगी, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगी, क्लियर है। मतलब और आपको बताना चाहता हूँ, पहले आप कॉन्जुगेट ले फिर बाद में ट्रांसपोज ले, या पहले ट्रांसपोज ले बाद में कॉन्जुगेट ले, बात बराबर है ना, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, राइट। अब बात करेंगे स्पेशल टाइप ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। सुन, स्पेशल टाइप ऑफ द मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम आइडेंपोटेंट ऑफ द मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करें तो वापस उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास क्या होती है, सुन यहाँ पे आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई मैट्रिक्स है, अगर इस मैट्रिक्स को मैं इससे ही मल्टीप्लाई करूँ, राइट, अगर इस मैट्रिक्स को मैं इससे ही मल्टीप्लाई करूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टूडेंट आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका एक ट्रिक होता है, वो ये होता है, सो मैट्रिक्स है इसको अगर आप स्क्वायर करके देखेंगे, ये एग्जाम्पल है, इस दुनिया पे इसका जो स्क्वायर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, ए इंटू ए आ जाएगा एंड देन इसको वापस करेंगे तो वापस ए मैट्रिक्स के बराबर होगी। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है उसको हम क्या बोलते हैं, आइडेंपोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। सो नेक्स्ट देखते हैं इस दुनिया पे अगला टाइप बात करेंगे हम,
जिसे मैंने ए करा, ए स्क्वायर करा इस मैट्रिक्स का, दो इसका स्क्वायर करेंगे तो ए मैट्रिक्स के बराबर आ रहा है, राइट। सो ए इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे। सो इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट विद इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी। स्टूडेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए स्क्वायर ए के बराबर होता है, पर यह अगर किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और वो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, है ना, यहाँ पे ए स्क्वायर ए के बराबर आ जाए आइडेंटिटी था, यहाँ पे ए स्क्वायर करें तो आइडेंटिटी के बराबर आ जाए, तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन एज ए इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है क्या होती है स्टूडेंट, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये मैट्रिक्स ले हम, तो स्टूडेंट इसका जो स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आइडेंटिटी के बराबर आ जाता, तो दिस मैट्रिक्स इज नॉन एज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, सॉरी इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। नेक्स्ट बात करेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है स्टूडेंट। अगर नीलपोटेंट मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करें, क्यूब करें, तो वो क्या दे दे, जीरो, मतलब नल मैट्रिक्स आ जाए, तो सच मैट्रिक्स इज नॉन एज ए नीलपोटेंट मैट्रिक्स। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सच दैट ए पावर के इज इक्वल टू आइडेंटिटी, अगर उसका पावर करें हम और वो जीरो दे दे, तो इस कॉल्ड नीलपोटेंट मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे, राइट, तो वो हमारे पास क्या होगा, नीलपोटेंट मैट्रिक्स होगा। मैं इसको ट्रिक बताना चाहता हूं कि नॉर्मली ये जो मैट्रिक्स होती है या तो स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है या स्ट्रिक्टली लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब या तो जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा इससे ऊपर जो भी होंगे नॉन जीरो एलिमेंट होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये इसका एग्जांपल हो सकता है, या फिर ये भी इसका एग्जांपल हो सकता है नीलपोटेंट मैट्रिक्स का, ये सब जीरो आ जाए, ये भी जीरो आ जाए, ये भी जीरो, मतलब ये स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और यहाँ आ जाए थ्री एंड वन एंड टू, तो इसमें ये भी हमारे पास नीलपोटेंट मैट्रिक्स का एग्जांपल है, राइट, या ये तीनों एलिमेंट नीचे हो, राइट, तो कभी भी स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर या स्ट्रिक्टली लो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है वो हमेशा नीलपोटेंट होती है ना। और नॉर्मली ये जो मैट्रिक्स होगी ए क्यूब इसको क्या करेगा, जीरो करेगा, राइट। जब आप इसका ए स्क्वायर निकालोगे तो ये दोनों जीरो हो जाएंगे, या नॉन जीरो एलिमेंट आ जाएगा, फिर जैसे इसका ए क्यूब निकालोगे तो ये जीरो हो जाएगा, राइट, तो आप करके देख सकते हैं। इसमें बात करेंगे नेक्स्ट आगे, बात करेंगे यहाँ पे नेक्स्ट आगे, ए लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के फॉर ए पावर के इज इक्वल टू जीरो, देन के इज कॉल्ड इंडेक्स ऑफ ए। जैसे मैंने आपको बोला कि ए स्क्वायर अगर जीरो हो रहा है तो वो टू इंडेक्स की नीलपोटेंट होगी, अगर ए क्यूब इज इक्वल टू जीरो हो रहा है तो वो थ्री इंडेक्स की नीलपोटेंट मैट्रिक्स होती है। इसमें ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए आप, अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाए, हमारे पास आइडेंटिटी हो जाए, है ना। इसमें यहाँ पे क्या होता है, अगर हमारे पास ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या हो जाए, आइडेंटिटी हो जाए, राइट। अगर जैसे हमारे पास ये कोई मैट्रिक्स दे रही है, अगर हम इसका ट्रांसपोज लें, राइट, और दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता, आइडेंटिटी आ जाता। पर स्टूडेंट इसका तरीका होता है चेक करने का, यहाँ पे इसको शॉर्ट ट्रिक पे आप चेक कर सकते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स एक नहीं है। अगर इसकी रो को मल्टीप्लाई करें हम, राइट, अगर आप इसकी रो को मल्टीप्लाई करें, जैसे मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको मल्टीप्लाई कर, तो ये जीरो आएगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई, जीरो आ रहा, राइट। आप किसी भी रो को आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना, उस रो से, तो वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर ऐसा होता है तो क्या होती है, हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। तो ये ट्रिक है, अगर कोई भी आपको ये पता लगाना है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, तो आप क्या करिए, उसकी रो को दूसरी रो से मल्टीप्लाई करिए उसके एलिमेंट वाइज, अगर वो जीरो आ रहा है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास तरीका है चेक करने का, और ऐसे भी आप इसको चेक कर सकते हैं, क्लियर। नेक्स्ट अब बात करेंगे स्टूडेंट कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन है आपसे, बोला जा रहा द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई एंड एफ, मतलब हमारे पास दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स ई है, दूसरी मैट्रिक्स एफ है, ई हमें दे रखी है, और दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास क्या आ रहा है, जी आ रहा है ना, मतलब हमारे पास क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है, राइट। तो आपसे पूछा जा रहा कि देन ई एंड जी मैट्रिक्स एंड ई एंड जी आर दिस, राइट, है ना, ठीक है, ये आपको दे रखा है, देन एफ एस, क्लियर है। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ई एंड एफ, मतलब इसका मल्टीप्लीकेशन जी आर आइडेंटिटी आर, तो ऑब्वियसली ये इसका क्या होगा स्टूडेंट, इनवर्स होगा, क्लियर है। दो का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो वो उसका क्या होता है, इनवर्स होता है। तो आप इजीली यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये क्या होगा। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं जाऊँ तो इसको आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको इसके मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें ये जीरो, मतलब हमारे पास क्या आना चाहिए, वन आना चाहिए। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करो तो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आ रहा, तो वन नहीं हो रहा है। इसमें जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें ये आएगा कॉस स्क्वायर एंड माइनस, ये भी जीरो नहीं आने वाला। सो दिस इज, दिस टू ऑप्शन नॉट करेक्ट। इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यस, कॉस स्क्वायर एंड ये आ जाएगा साइन स्क्वायर, तो वन आ रहा है, मतलब ये ऑप्शन इसका राइट हो सकता है। पर स्टूडेंट जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास नहीं आएगा। सो हमारे पास सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसको बहुत इजीली इस तरह से हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं, क्लियर है। इसमें नेक्स्ट देखिए, भाई सी ऑप्शन करेक्ट है, आइडेंटिटी आना चाहिए, सी ओ इज करेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें यहाँ पे एक ट्रिक होती है और ट्रिक समझने की जरूरत है। इफ ए इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स देन ए ट्रांसपोज, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी होता है। अगर ये आइडेंटिटी है
तो सुन ये हमेशा इसके इनवर्स के बराबर होता है ना, ये क्या होता है सुन इनवर्स के बराबर होता है। अब ये कैसे आता है मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आइडेंटिटी दे रखा है तो सुन क्या करो ए इनवर्स को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो। क्या करते हैं मैथमेटिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं राइट। जब इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स इंटू आइडेंटिटी हो जाएगा, हम जानते हैं ए इंटू ए इनवर्स आइडेंटिटी हो जाता है तो यहाँ बचेगा सिर्फ ट्रांसपोज और आइडेंटिटी टू ए क्या हो जाएगा ए इनवर्स राइट। ए ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाता है ए इनवर्स के बराबर हो जाता राइट। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फॉर गिवन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दिस, ये हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है देखिए, फाइंड द इनवर्स। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका इनवर्स क्या होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो स्टूडेंट कुछ नहीं करना है, जो भी हमारे पास क्यू मैट्रिक्स दे रखी है ना, अगर आपको इसका इनवर्स निकालना है और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो कुछ नहीं करना है, आपको इसका ट्रांसपोज निकाल लो। जो इसका ट्रांसपोज होगा वही इसके इनवर्स के बराबर होगा राइट। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इस तरह से आ जाएगा राइट, और ये हमारे पास कैसा आ जाएगा ये आ जाएगा राइट, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा ये आ जाएगा। तो अगर किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसका ट्रांसपोज निकाल देना है राइट। मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो आएगा वो क्या आ जाएगा इसके और इनवर्स के बराबर आएगा। आपको ये चेक करना कि अरे ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी ऑर्थोगोनल चेक करने की राइट। ऑर्थोगोनल चेक करने की ट्रिक क्या होती है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो या रो को मल्टीप्लाई करो सबसे बेस्ट है। स्टूडेंट मैं काम करता हूँ, इसको चेक करने का तरीका समझा देता हूँ राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट, आप चेक कर सकते हैं बहुत इजीली कि ये ऑर्थोगोनल है कि नहीं है राइट। तो स्टूडेंट क्या करेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करिए है ना, ये एलिमेंट वाइज इसको आप रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा स्टूडेंट माइनस का 18/49 आ रहा है राइट, प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या रहा है 6/49 आ रहा है राइट, और ये आएगा हमारे पास 12/49। आप देख रहे हो जीरो हो रहा है ना, तो जीरो हो रहा मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। तो मैंने चेक करने का तरीका बताया कि ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो अगर बाई चांस आपको क्वेश्चन में ऑर्थोगोनल नहीं भी दे रखा, तो आप अगर ऐसा कोई क्रिटिकल क्वेश्चन आ रहा तो कहने के क्वेश्चन को ट्रिक जरूर लग रही होगी राइट, और उसका आंसर इसी फॉर्म में आ रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है राइट। इसमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है ध्यान दीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसमें बेस्ट काफी सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे इज सेट टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो जाए। अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज ले वो खुद उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है तो वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्टूडेंट सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखने का तरीका समझाता हूँ, बहुत ईजी है। नॉर्मली डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है मर्जी पड़े, पर जो एलिमेंट यहाँ आएगा वो हमेशा यहाँ भी आएगा, जो एलिमेंट यहाँ आएगा वो हमेशा यहाँ भी आएगा, और जो एलिमेंट यहाँ पे आएगा मान लीजिए ये हमारे पास 9 ले लीजिए है ना, तो ये यहाँ आएगा राइट। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है, अगर ये जैसे -9 है तो यहाँ भी -9 आएगा राइट। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है वो हमारे पास क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। अगर आप इसका ट्रांसपोज लें है ना, अगर इसका ट्रांसपोज लेंगे तो सुनिए इसका ट्रांसपोज वापस इसी मैट्रिक्स के बराबर आएगा। देखो ये कॉलम लिख दीजिए आप, ये कॉलम को रो में लिख दीजिए राइट, इस टाइप से ये भी लिख देंगे आप 4, 3, -9 एंड इस टाइप से आप इसको भी लिख सकते हैं 5, -4 एंड 9 और 4 राइट। तो ये इसका क्या होगा ट्रांसपोज के बराबर आएगा राइट। अब स्टूडेंट स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, मैट्रिक्स ए सेट टू बी स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस है। अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर हो जाता है तो वो हमारे पास क्या होता है स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका एग्जांपल सबसे बेस्ट होता है, आपको कैसे पता पड़ेगा कि स्क्यू-सिमेट्रिक स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले डायगोनल एलिमेंट सब क्या होने चाहिए जीरो होने चाहिए। ये मैं 3/3 का एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 4/4 भी हो सकता है, 5/5 भी हो सकता है, किसी भी ऑर्डर की हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हो सकती है राइट है ना। अब यहाँ पे जैसे -2 आ रहा है तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 होना चाहिए, अगर यहाँ पे 3 आ रहा है तो स्टूडेंट यहाँ पे -3 होना चाहिए, अगर यहाँ 4 आ रहा तो यहाँ पे -4 होना चाहिए, मतलब ऑपोजिट सेम एलिमेंट होंगे बट ऑपोजिट होंगे राइट, और डायगोनल हमेशा यहाँ पे क्या होगा जीरो होगा राइट। तो इस टाइप की जो मैट्रिक्स होती है दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना। तो जब भी आपको स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिखना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायगोनल जीरो लिख दो, -2 है तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 है तो -3 आएगा, यहाँ 4 है तो -4 आ जाएगा राइट। तो इस टाइप की मैट्रिक्स अगर आपको लिखे हुए तो देखते ही समझ में आ जाएगा कि स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स राइट। तो इसका जो ट्रांसपोज होता है, अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालने बैठेंगे यहाँ पे तो इसमें ट्रांसपोज आप निकाल सकते हो है ना, क्या आएगा इसका जो कॉलम आएगा वो रो बन जाएगा राइट। तो ये आएगा 0, 2, -3 दिख रहा है, 0, 2, -3 देने आएगा -2, 0 एंड -4 इसमें आएगा हमारे पास 3, 4 एंड 0 राइट। तो ये हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट ट्रांसपोज आएगा। फिर यहाँ पे माइनस कॉमन निकालेंगे आप, तो जैसे माइनस कॉमन निकालेंगे तो -a के बराबर हो जाएगा, जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो सुनिए वापस a के बराबर होगा। तो ये हमारे पास इस टाइप से आ जाता है, तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज नॉन एज ए सिमेट्रिक स्क्यू-सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्लियर है। तो ये इस तरफ हमारे पास एग्जांपल होता है। इसमें हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है समझ लीजिए आप, हर्मिशियन स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी द हर्मिशियन मैट्रिक्स अगर ए इज इक्वल टू ए स्टार आ जाए। स्टूडेंट ए इज इक्वल टू ए स्टार का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए दे रखी है तो उसका कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उस मैट्रिक्स के बराबर होना, जैसे मैंने अभी बताया था सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है ना, हर्मिशियन में क्या हो जाता है
कॉन्जुगेट आ जाता है. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेता हूँ. ये मेरे पास एक एग्जाम्पल दे रखा, राइट, यहाँ देखा वन, यहाँ देखा वन प्लस आयोटा और यहाँ देखा वन माइनस आयोटा एंड ये वन. ये हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखे. अब अगर आपको इसका चेक करना है कि हर्मिशियन है कि नहीं है, तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, राइट. कॉन्जुगेट निकालेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे वन आएगा, ये वन माइनस आयोटा हो जाएगा, ये वन प्लस आयोटा हो जाएगा और ये वन हो जाएगा. अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो स्टूडेंट. तो जैसे इसका ट्रांसपोज निकालोगे तो इसका जो ट्रांसपोज आएगा, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालेंगे तो स्टूडेंट इसका ट्रांसपोज क्या आएगा, ये रो है तो ये क्या मतलब कॉलम है तो ये रो में आ जाएगा एंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा. तो देख रहे हो स्टूडेंट, ये इसके बराबर ही हो रहा है एक्जैक्टली. तो स्टूडेंट ये दोनों बराबर हो गया, तो मतलब ये जो मैट्रिक्स होती है हमारे पास क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है ना. तो ये बेसिक चीज़ें स्टूडेंट, इनकी जो आइगन वैल्यूज और इनके बहुत सारे कंसेप्ट बनते हैं क्वेश्चन पे, तो वो मैं आपके सामने बताऊंगा यहाँ पे. पर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है. स्क्यू हर्मिशियन का मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हम लें तो वो माइनस ए के बराबर हो जाए. तो सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब जैसे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, उसमें क्या था, ए इज इक्वल टू माइनस का ए टी था, राइट. तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, जैसे आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर है. इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो यहाँ पे ध्यान दीजिए. अगर मैं इस मैट्रिक्स को ऐसे लिखूँ यहाँ पे, ए इज इक्वल टू माइनस का ए बार का ट्रांसपोज, राइट, है ना. तो ये हमारे पास स्क्यू हर्मिशियन का एग्जाम्पल. पर स्क्यू हर्मिशियन में भी ये होता है कि जो इसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो या तो जीरो होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे, राइट. या तो क्या होंगे हमारे पास, जीरो होंगे या फिर क्या होंगे, प्योरली इमेजिनरी होंगे. तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ये आयोटा है और ये माइनस आयोटा, राइट, है ना. अब आपको चेक करना है कि यार हमें इसका निकालना है कि ये हमारे पास लाइक कॉन्जुगेट मतलब प्लस, दोनों प्लस प्लस आयोटा ले लो, बेस्ट है ना, दोनों ही प्लस आयोटा ले लो ताकि हमारे क्या एक एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, राइट. हाँ जी, मैं इसको थोड़ा सही कर लेता हूँ. तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे, राइट. सो ए बार लेंगे तो ए बार जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जीरो माइनस आयोटा एन माइनस आयोटा एन जीरो हो जाएगा, राइट. अब इसका हम ट्रांसपोज लें, स्टूडेंट कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मैं लेता हूँ. तो ए बार का जो ट्रांसपोज आएगा वो हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट, वही जीरो माइनस आयोटा एन माइनस आयोटा एन जीरो ले लेंगे. स्टूडेंट माइनस कॉमन निकाल देंगे हम तो स्टूडेंट ये वापस जीरो आयोटा एंड आयोटा एन जीरो आ जाएगा. स्टूडेंट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, माइनस ए के बराबर हो जाएगा. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा, राइट. तो ये कंसेप्ट होता है, इसके आइगन वैल्यूज, इसके बहुत सारे रिलेटेड कंसेप्ट होते हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो मैं आपको सिखाऊंगा आगे. इसमें से बेस्ट क्वेश्चन जैसे ये दे रखा है कि B इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज वेयर A इज इक्वल टू एनी मैट्रिक्स. तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक अबाउट द सेकेंडरी डायगोनल, ऑलवेज सिमेट्रिक, अनदर जनरल मैट्रिक्स. तो सुनिए यहाँ पे अगर A इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज दे रखा होता तो हम बोल सकते थे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. पर सुनिए B कोई अनदर मैट्रिक्स दे रखी है तो मुझे नहीं लगता है कि ये सिमेट्रिक है या ऑलवेज सिमेट्रिक है. तो सुनिए यहाँ पे दी एग्जांपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज है और बी का ट्रांसपोज लेंगे तो सुनिए ए के बराबर हो जाएगा. तो ये दोनों बराबर नहीं आएंगे तो ये भी बराबर, वैसे ये ए ट्रांसपोज ए के बराबर नहीं है तो बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज यहाँ पे बराबर नहीं होगा, राइट, है ना. तो ये कंसेप्ट यहाँ पे ट्रू होने वाला नहीं है, ओके. सो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो अनदर मैट्रिक्स आएगा, क्लियर है. तो सुनिए नेक्स्ट देखिए अगला वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट अलोंग 2x2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज विथ ट्रेस 14. इसमें अगर बाई चांस कोई भी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है जिसका ट्रेस 14 दे रखा है, राइट. तो आप देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, वैसे भी यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि इसका जो ट्रेस है हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 14 दे रखा है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ है. इसमें एग्जाम्पल पकड़िए यहाँ पे, है ना, ये मैट्रिक हमारे पास एग्जांपल दे रखा है कि जिसका ट्रेस हमारे पास 14 होना चाहिए तो इसका मैक्सिमम हमारे पास कितना डिटरमिनेंट हो सकता है. तो मैक्सिमम जो डिटरमिनेंट होगा, अगर यहाँ पे मैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले रहा हूँ तो देखो अगर मैं 1 लूँगा तो यहाँ भी मुझे 1 लेना पड़ेगा तो ये 49 माइनस 1 हो जाएगा. अगर मैं यहाँ 2 लूँ तो यहाँ भी 2 लेना पड़ेगा तो ये 49 माइनस 4 हो जाएगा. मतलब आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये इसका डिटरमिनेंट कम करना तो एक प्लस का और एक माइनस का ले लो, पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स से दोनों सेम लेने पड़ेंगे, प्लस माइनस नहीं ले सकते, राइट. तो इसमें यहाँ पे अगर आपसे ये बोला जाए कि ऐसी कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसका ट्रेस 14 है तो उसका डिटरमिनेंट कितना होगा, तो इसमें उसका क्या होगा, इसको आधा कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब 49 इसका क्या आएगा, आंसर आएगा. तो ये बहुत ईजी एग्जाम्पल है जिससे हम यहाँ पे समझ सकते हैं और यही इसका एग्जाम्पल होगा जिससे हम इसको कर सकते हैं, राइट. सो स्टूडेंट मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि मैंने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा. और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, और लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. लास्ट में मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं जहाँ पर मैं IIT-JAM और CSIR NET गेट के लिए रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ. प्लस ये मेरे पुराने चैनल है जहाँ पर लीनियर अलजेब्रा के मैंने बहुत अच्छे वीडियोस अपलोड कर रखे हैं. इसलिए दोनों मेरे चैनल है, ये मेरा नया चैनल है जिस पर भी मैं काम कर रहा हूँ IIT-JAM गेट CSIR NET के लिए, और ये मेरा पुराना चैनल है जिस पर मैं हायर मैथ्स की वीडियोस अपलोड करता हूँ. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए. बाय बाय.